कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रामसागर पारा निवासी 25 वर्षीय कमल गोड दीपावली की रात से लापता है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में तालाब किनारे जुए का खेल चल रहा था। इस दौरान सड़क से गुजर रहे पुलिस वाहन का सायरन सुनकर सब इधर उधर भागने लगे। कमल और दो अन्य युवक तालाब में कूद गए। बाद में दो युवक तो निकल गए, लेकिन कमल का कहीं पता नहीं चल रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कमल तालाब के जलकुंभी के बीच कहीं फंस गया होगा और अब पुलिस बस्ती वासियों के सहयोग से जलकुंभी की सफाई कर कमल की तलाश कर रही है। कमल की बहन नंदिनी की माने तो दीपावली की रात पूरा परिवार अपने कमरे में सो रहा था। रात्रि लगभग 3 बजे अचानक दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। देखा तो कमल अपने बिस्तर पर नहीं था, वो घर का दरवाजा बाहर से बंद कर कहीं जा रहा था। उसे लगा कि वो शौच के लिए जा रहा है, लिहाजा वो सो गई। लेकिन सुबह तक जब घर का दरवाजा बाहर से बंद मिला तो आवाज देकर पड़ोसी से घर का दरवाजा खुलवाया और फिर कमल की खोजबीन शुरू की गई। 24 घंटे बाद भी जब वो घर वापस नहीं आया तो इसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। वार्ड पार्षद संतोष राठौर ने बताया कि मोहल्ले में एक युवक के लापता होने की जानकारी मिली थी। आशंका जताई जा रही है कि दीपावली की रात यहां जुआ खेल रहे 3 युवक पुलिस का सायरन सुनकर भागने लगे और एक युवक के तालाब में जलकुंभियों के बीच फंस जाने की आशंका के चलते तालाब में उसकी तलाश की जा रही है। मुझे रात 9 बजे जानकारी मिला है कि 3 लड़के जो है यहाँ जुआ खेल रहे थे परसों रात को, और उसके बाद जो है पुलिस का हल्ला सुना, पता नहीं पुलिस आया कि नहीं आया, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, और पुलिस के नाम से वो लोग भागे हैं। भागते हुए 2 लड़के अलग जगह कूदे बता रहे हैं, 1 लड़का यहाँ कूदा बता रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो यहाँ पर कूदा भी कि नहीं कूदा है। हालांकि इसको खोजने का प्रयास जारी है और खोजने के बाद ही पता चल पाएगा स्थिति की क्या है। घटना की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी लेकर गोताखोरों की मदद से कमल के रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था और उसे तैरना भी नहीं आता था। फिलहाल युवक की तलाश जारी है। मीडिया 4 सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।